hello students how are you students you are again welcome in this next video of excretion in human being this is the last video of life process chapter students all content we have discussed in earlier video series if you didn't watch that series you can go to the playlist of channel and you can watch all the contents so students in this video we are going to discuss about the excretion excretory substances excretory organ excretory system

नाइड्रोनस सब्सटेंसिस को मेनली हम एक्सिटी सबस्टेंसिस कहते हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं नाइड्रोनस सबस्टेंसिस नाइड्रोनस सबस्टेंसिस क्या होते हैं हमारी बॉडी में कैसे बनते हैं और कब बनते हैं दरअसल हम लोग जब प्रोटीन की डाइट लेते हैं तो कुछ एमिनो एसिड या कुछ प्रोटीन जो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में हमारी बॉडी में रह जाती हैं या एक्सेस अमाउंट ऑफ एमिनो एसिड हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं तो वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं तो यूरिया भी एक नाइट्रोजनस कंपाउंड है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है तो अमोनिया और यूरिया हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है तो इसीलिए अमोनिया कन्वर्ट होती है यूरिया में तो यूरिया हमारे बॉडी के अंदर वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है ब्लड के साथ डिज़ोल्व हो जाती है और हमारी किडनी उसको फिल्टर करके बाहर निकाल देती है तो चलिए हम लोग बात करते हैं एक्सीटी सब्सटेंसिस के हमारे बारे में और कौन कौन से एक्सकटी सबस्टेंसेज होते हैं तो एक्सकटी सबस्टेंसेज होते क्या हैं पहले तो आप लोग ये जान लीजिए हार्मफुल नाइट्रोजनस सबस्टेंसिस विच आर टू बी एक्सिटेड आउट ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड एक्सिटिव सबस्टेंसेज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म दे आर दे मे वी ऑफ डिफरेंट टाइप्स हालांकि यहाँ एक्सटूडेंट्स मैं आपको बता दूँ स्वेट बॉडी सॉल्ट जो हमारी बॉडी से स्वेटिंग के टाइम पर एक्सलिट होते हैं स्वेट या बॉटर या फिर कार्बन डाईक्साइड भी एक्सीटी सब्सटेंसिस के फॉर्म में आते हैं लेकिन मेन एक्सीटिव सब्सटेंसिस नाइट्रोजनस सब्सटेंसेज होते हैं तो कौन कौन से एक्सीटी सब्सटेंसेज होते हैं यूरिया ह्यूमन में और दूसरे मेमल्स इनमें मेन एक्सक्रीटिव सब्सटेंस क्या होता है यूरिया यूरिक एसिड जो होता है वो बर्ड और रेप्टाइल्स में होता है अमोनिया जो होता है वो पानी में रहने वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं फेस एम्फीबियंस और कुछ अर्थफॉर्म इनकी बॉडी में अमोनिया सिक्रीट होता है अब बात करते हैं कि जो एनिमल यूरिया सिक्रीट करते हैं तो उन एनिमल्स को हम लोग क्या कहते हैं यूरियोटेलिक यूरियोटेलिक एनिमल इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड एडवांस स्टूडेंट्स सो इट इज़ एडवांस नॉलेज फॉर यू यूरियोटेलिक एनिमल्स कौन कौन से होते हैं जो यूरिया सिक्रीट करते हैं तो मेमल्स और ह्यूमन जो है वो यूरियोटेलिक एनिमल्स हैं ऐस और इस प्रोसेस को यूरिया के सिक्रीशन की प्रोसेस को हम लोग कहते हैं यूरियोटेलिज्म यूरियोटेलिज्म यानी कि यूरिया जब सिक्रीट आउट होता है हमारी बॉडी बॉडी से तो उस प्रोसेस को यूरियोटेलिज्म और एनिमल को यूरियोटेलिक एनिमल एनिमल कहते हैं तो यूरियोटेलिक एनिमल प्रोसेस को यूरियोटेलिज्म इसी तरह से यूरिक एसिड जो है यूरिक एसिड जिन एनिमल्स की बॉडी में सिक्रीट होता है उनको हम लोग कहते हैं यूरिकोटेलिक अब यूरियो और यूरिको में अंतर है यूरिकोटेलिक एनिमल यूरिकोटेलिक एनिमल ऐसे एनिमल को यूरिकोटेलिक एनिमल और इस प्रोसेस को कहते हैं यूरिकोटेलिज्म 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 ये प्रोसेस है यूरिकोटेलिक एनिमल एनिमल्स को कहा जाता है अमोनिया जिस एनिमल्स में सिक्रिट होती है उन एनिमल्स को कहते हैं अमोनोटेलिक एनिमल अमोनो टेलिक एनिमल्स तो अमोनोटेलिक एनिमल्स जो हैं जो अमोनिया सिक्रिट करते हैं इस प्रोसेस कहते हैं अमोनोटेलिज्म अमोनोटेलिज्म आप समझ रहे होंगे तो इस तरह से आपके लिए थोड़ा सा एडवांस था इसको ध्यान से समझ लीजिए चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हम थोड़ा सा स्टूडेंट्स द मेजर वेस्टेज प्रोड्यूस्ड बाई अस आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया अभी मैंने आपको बताया हमारी बॉडी में यूरिया नाइट्रोजनस वेस्ट के फॉर्म में होती है कार्बन डाइऑक्साइड तो आप लोग जानते हैं एक्सीडी आउट होती ही रहती है लंग से कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड यूरिया इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ अनयूज्ड प्रोटीन इन द लीवर तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव डीज वेस्टेज फ्राम आवर बॉडी एज देयर एकूमुलेशन इज पॉइजनस एंड हार्मफुल फॉर अस तो आप लोग समझ रहे होंगे एक्सक्रिटिव ऑर्गन क्या होते हैं ये एक्सक्रीटिव सब्सटेंसेज हो गए एक्सिटिव ऑर्गन क्या होते हैं जो इन सब्सटेंसिज को बाहर बॉडी से निकालते हैं उन ऑर्गन को कहते हैं एक्सिटिव ऑर्गन इन अदर ऑर्गेजम एक्सक्रिटिव ऑर्गन आर नेफ्रीडिया नेफ्रीडिया ये एक किडनी की तरह काम करने वाले छोटे छोटे ऑर्गन होते हैं जो अर्थवॉम में मेन होते हैं यानी कि अर्थ फॉर्म में होते हैं नेफ्रीडिया तो फिशेस में भी कुछ नेफ्रीडिया होते हैं तो ये आपका नेफ्रीडिया मेल्पीगन ट्यूब्यूल ये इंसेक्ट में होते हैं इंसेक्ट में होते हैं मेलपीगन ट्यूब्यूल रिनेट सेल ये कृमि में होते हैं कृमि आप लोग जानते हैं पेट के कीड़े इसको हम लोग राउंड कहते हैं राउंड तो राउंड वॉर्म में रिनेट सेल्स होती हैं फ्लेम सेल्स कहाँ होती हैं ये सोलियम यानी जिसको हम लोग टेप वॉम कहते हैं तो आपका टेप वॉम में क्या होती हैं ये फ्लेम सेल्स होती हैं इसी तरह से ये अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एक्सक्रिएटिव ऑर्गन अलग अलग हो सकते हैं लेकिन ह्यूमन के केस में ये एक्सक्रिएटिव ऑर्गन कौन कौन से होते हैं लंग्स और किडनी लंग्स किसको बाहर निकालते हैं सी को और किडनी किसको बाहर निकालती है यूरिया को तो आप लोग क्लियर हो गया होगा अगर लंग्स एक्सक्रीट कार्बन डाइऑक्साइड एंड किडनी यूरिया सो द किडनी इज़ द मेन एक्सक्रिटिव ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी आप लोग समझ लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं एक्सक्रिटिव सिस्टम के बारे में तो एक्सक्यूटि सिस्टम स्टूडेंट्स क्या होता है द एक्सक्र सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बॉडी दैट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन द बॉडी ली प्रोसेस डिस्चार्जिंग वेस्टेज तो आप लोग जानते हैं एक्सक्रिटिव सिस्टम इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गन विस परफॉर्म टूगेदर एक्सक्रीशन यानी कि जितने भी ऑर्गन अरेंज हैं यहाँ पर वो एक्सक्रीशन करते हैं इसीलिए सिस्टम को क्या कहते हैं एक्सक्रिटी सिस्टम द एक्सक्रिटी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज प्रोड्यूस्ड बाई होम्योस्टैसिस अब ये होम्योस्टैसिस क्या होता है होम्योस्टैसिस का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि कोई भी लिविंग बॉडी जब बाहर के वातावरण और अंदर के वातावरण दोनों को एक जैसा बनाए रखने का जो प्रयत्न करता है या जो एफर्ट करता है उसी एफर्ट को हम लोग क्या कहते हैं होम्योस्टेसिस कहते हैं अंदर के एनवायरनमेंट को बॉडी के अंदर के एनवायरनमेंट जैसे आप लोग जानते हैं कि बाहर से इस, आ, हम लोग बहुत कुछ खाते हैं सॉल्ट खाते हैं या फिर बहुत सारे सोल्यूशंस हम लोग इंटेक करते हैं हम लोग फूड लेते हैं तो उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं तो बाहर के जो सॉल्ट्स हैं और बॉडी के अंदर के जो सॉल्ट्स हैं उन दोनों को मेंटेन करने का काम करते हैं अगर ये मेंटेनेंस नहीं होगा तो क्या होगा हमारी बॉडी के अंदर मान लीजिए सॉल्ट्स कैसे हैं कम अगर हमारे सॉल्ट्स यहाँ पर कैसे हैं कम हैं मैं माइनस का साइन बना रहा हूँ और इधर सॉल्ट्स कैसे हैं ज़्यादा तो क्या होगा हमारी बॉडी में सॉल्ट्स कम है तो हमारी बॉडी का वाटर जो होगा वो सब पाँच चला जाएगा ज़्यादा सॉल्ट्स की तरफ चल चला जाएगा तो बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा और डेथ हो जाएगी और अगर यही उल्टा हो सॉल्ट्स बॉडी में कैसे हो ज्यादा हो और बाहर कम हो तो फिर क्या होगा हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा सॉल्ट की वजह से जिससे क्या होगा बॉडी स्वेलप हो जाएगी और बस्ट हो जाएगी तो अब दोनों ही कंडीशन में क्या होगी प्रॉब्लम होगी तो इसीलिए लिए होम्योस्टेसिस इट इज़ द एफर्ट और इट इज़ द बॉडी प्रोसेस विच मेंटेन्स द इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ द बॉडी एज सच एक्सटर्नल एनवायरमेंट तो आप लोग समझ रहे होंगे इसको देयर आर सेवरल पार्ट ऑफ द बॉडी दैट आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस सच एज स्वेट ग्लैंड लीवर लंग्स एंड किडनी सिस्टम तो आप लोग जानते हैं स्वेट ग्लैंड स्वेट सिक्रीट करते हैं तो ये आपका स्वेट जो है उसमें वाटर रिलीज होता है और कुछ सॉल्ट रिलीज होते हैं तो सॉल्ट और वाटर ये रिलीज हो जाते हैं स्वेट ग्लैंड से लीवर आप जान ही रहे हैं अभी किसको फॉर्मेशन करता है यूरिया का किससे प्रोटीन से और अमोनिया से अमीनो एसिड से तो लीवर भी इसमें हेल्प कर रहा है लंग्स सी टू को सिक्रीट करते हैं और किडनी यूरिया को फिल्टर करने, करने का, का काम करती हैं बॉडी से बाहर निकालती हैं एक्सीडी सिस्टम कंटेन्स फॉलोइंग पार्ट्स एक्सी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं मेनली ये टू किडनी होती हैं जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये दो किडनी है फिर इसके बाद दो यूरेटर यानी कि किडनी से जो लगे हुए पाइप हैं जो यूरिनरी वेडर को जोड़ते हैं तो यून को यूरेटर कहते हैं तो दो यूरेटर हो गए फिर यूरिनरी ब्लेडर तो आप लोग देख रहे हैं ये यूरिनरी ब्लेडर है अब बात करते हैं देखिए यहाँ पर जो दो किडनी होती हैं हमारी वो बीन सेप्ड होती हैं इस तरह की होती हैं तो बीन सेप्ड किडनी होती हैं अब ये बीन सेप्ड किडनी इनमें से जो हमारी राइट किडनी होती है राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है यानी इसका जो पोजिशन होता है वो थोड़ा सा इस किडनी से थोड़ा सा नीचे होता है क्यों क्योंकि यहाँ पर हमारा लीवर सिचुएटेड होता है तो इसीलिए लिए लीवर की वजह से ये थोड़ा सा नीचे सिचुएटेड होती है अब इन किडनीज के ऊपर इस तरह से आप देख रहे होंगे ये थोड़ा ब्राउनिश और व्हाइटिश कलर का ये क्राउन टाइप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्राउन जो है वो ग्लैंड होती है कौन सी ग्लैंड होती है एड्रीनल ग्लैंड एड्रीनल ग्लैंड ठीक है तो एड्रीनल ग्लैंड ये प्रेजेंट होती है तो दो किडनी होती है दो एड्रीनल ग्लैंड होती है और इन दोनों किडनी में ब्लड की सप्लाई कौन करता है तो देखिए जो यहां पर ब्लड प्योर ब्लड की सप्लाई ऑक्सीनेटेड ब्लड की सप्लाई करती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं ऑर्टा और ऑर्टा की एक ब्रांच जो किडनी में सप्लाई ब्लड को करती है तो उस आर्टरी को हम लोग यानी उस ऑर्टा की ब्रांच को ही क्या कहते हैं रीनल आर्टरी रीनल स्टूडेंट्स कहीं पर भी टर्म आए रीनल तो रीनल का मतलब क्या होता है किडनी होता है तो किडनी से जुड़ी हुई आर्टरी को रीनल आर्टरी कहते हैं इसी तरह से वेन जो है यानी वेना वेनाकेवा है तो वेना वेनाकेवा जो इम्प्योर ब्लड यानी डीऑक्सीनेटेड ब्लड को किडनी से बाहर ले जाती है मतलब यहाँ से कलेक्ट करती है तो किसके थ्रू कलेक्ट करती है रीनल वेन के थ्रू कलेक्ट करती है और ये किडनी जो यूरिन का फॉर्मेशन करती हैं आफ्टर फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड तो वो यूरिन इन यूरेटर की हेल्प से यानी पाइप लाइक स्ट्रक्चर है इन यूरेटर की हेल्प से यहाँ यूरिनरी ब्लेडर में चली जाती है यूरिन यहाँ पर यूरिनरी ब्लेडर में इकट्ठी होती है जब यहाँ पर यूरिनरी ब्लेडर फुल हो जाता है तो यूरेथरा क्या है ओपनिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लेडर तो यूरेथरा के थ्रो ये यूरिन पास आउट हो जाती है तो ये आप स्टूडेंट्स एक्सिटी सिस्टम तो समझ गए होंगे अब आगे बढ़ते हैं और डिटेल से समझते हैं किडनी को तो देखिए स्टूडेंट्स एवरी ह्यूमन टू किडनी हर ह्यूमन में दो किडनी होती हैं हालांकि दोनों काम करती हैं लेकिन एक किडनी के से भी काम चलाया जा सकता है आपने सुना भी होगा लोग अपनी एक किडनी को बेच देते हैं या एक किडनी ख़राब हो जाती है या डोनेट कर देते हैं तो एक किडनी से भी काम चलाया जा सकता है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी ईच किडनी इज मेड अप ऑफ थ्री सेक्शन कौन कौन से तीन सेक्शन होते हैं रीनल कॉटेक्स रीनल मेडुला एंड रीनल पेल्विस ये कौन कौन से होते हैं यहाँ पर समझ लीजिए आप देखिए यहाँ पर जो ये पतला पतला किनारा जहाँ पर बहुत ब्रांचड ब्लड वैसे ये पड़ी हुई हैं ये बाहर का पोर्सन इधर वाला तो इसको हम लोग क्या कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स यानी कि रीनल कॉर्टेक्स और इसका अंदर जो आप रेड रेड कलर के आप ये पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर इस तरह के देख रहे हैं ये पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर जो इसमें बने हुए हैं तो इसमें इसको इस पिरामिड को हम लोग कहते हैं मेडुला मेडुलरी पिरामिड सॉरी मेडुलरी पिरामिड तो मेडुलरी पिरामिड है ये और मेडुलरी पिरामिड जिस रीजन में है उस रीजन को हम लोग कहते हैं मेडुला तो ये क्या है रीनल मेडुला

विच इस फ्लिट्स इन टू द मैनी अफ्रेंट आर्ट्रियोल बहुत सारी ब्रांचेज में ये देखिए रेड कलर की यहाँ से जो रिन आर्ट्री आई है इधर से ये बहुत सारी ब्रांचेज में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है तो इन बहुत सारी रेड ब्रांचेज जो हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं अफरेंट आर्ट्रियोल अफ रेंट आर्ट्रियोल अफरेंट आर्ट्रियल क्यों कहते हैं क्योंकि ब्लड इससे क्या कर रहा है आ रहा है तो ए फॉर अफरेंट और ए फॉर अराइवल आप ऐसे याद रख सकते हैं यानी कि अराइवल ब्लड का जिस आर्ट्रियोल से होता है किडनी में उसको अफरेंट आर्ट्रियल कहते हैं आर्ट्रियोल क्या है आर्टरी की भी जो ब्रांच यानी कि सबसे बड़ी जो मोटी पाइप होगी या बेसिल होगी उसको हम लोग कहेंगे क्या ऑर्टा और इसकी जो ब्रांच निकली होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे उसको आर्टरी और इसकी भी जो ब्रांच होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे आर्ट्रियोल आर्ट्रियोल ये आपको पहले भी बता चुका हूं मैं और इस आर्ट्रियोल की भी जो ब्रांचिंग होंगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कैपिलरीज कैपिलरीज ठीक है तो आप लोग समझ लीजिए तो ये कैपिलरीज मतलब जो यहाँ पर रीनल आर्ट्रियोल जो है वो ब्लड को सप्लाई करती हैं ब्लड जिससे फिल्टर होने के लिए आता है कहां पर आएगा किडनी के अंदर तो द रीनल कॉर्टेक्स इज द आउटर लेयर ऑफ द किडनी एंड द मेडूला इज द इनर लेयर ऑफ द किडनी तो आप अभी देख ही रहे हैं द रिनल पेल्विस टेक्स यूरिन अवे फ्रॉम द किडनी बाय द यूरेटर बोथ ऑफ द यूरेटर्स लीड्स द यूरन इन टू द बॉडीज ओनली यूरिन यूरिनरी ब्लैडर तो आप लोग जानते हैं यहाँ से जो आप देख रहे हैं ये ब्लड वेसल्स आई हैं यहाँ पर ब्लड फिल्टर होगा और फिल्टर होने के बाद में ये ब्लड जो है मेडूला में होते हुए यहाँ पर इस तरह से फिल्टर होकर के ये मेडुलरी पैरामिड है इनमें जाएगा और मेडुलरी पैरामिड से आप लोग देख रहे हैं ये छोटी छोटी ये पाइप जुड़ी हुई हैं तो इनको हम लोग कैलिस कहते हैं कैलिक्स वैसे इसको हम लोग कहते हैं तो ये कैलिक्स से कलेक्ट होकर के और यहाँ पर ये जो कैविटी है इसको पेल्विस कहते हैं तो पेल्विस यानी कि यहाँ से कलेक्ट होकर के पेल्विस में इकट्ठा हो जाएगा और पेल्विस यूरेटर में भेज देगी यूरिन को तो आप समझ पा रहे होंगे बोथ ऑफ द यूरेटर्स लीड्स टू द यूरिन इन टू द बॉडीज यू ओनली

ये देखिए और डिटेल्स है यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाया गया है किडनी का तो अभी मैंने आपको बताया ये वाला जो रीजन है वो कॉर्टेक्स है ये मिडल वाला रीजन क्या है मेडुला है इधर वाला जो है पेल्विस रीजन है तो यहाँ पर आप अच्छे से समझ सकते हैं ये जो आप छोटे छोटे से ये पॉइंट देख रहे हैं और जो लाइन देख रहे हैं ये क्या है नेफ्रॉन है ये सब नेफ्रॉन है तो रीनल कॉर्टेक्स रिल मेडूला पैरामिड हो गए ये आपका पेपिला ऑफ पैरामिड्स यानी कि ये जो पैरामिड्स हैं उनके जो एंडिंग पॉइंट होती है उसको पेपिला कहते हैं और जो ट्यूब यूर जो आपके ये मेडुलरी प्राइमिट से ट्यूब जो कलेक्ट करने का काम करती हैं उन ट्यूब को कैलिक्स कहते हैं और कैलिक्स रीनल पेलविस में खुलती हैं रीनल पेलविस जो होती है वो किस में खुलती है यूरेटर में खुलती है ये रीनल आर्टरी हो गई रीनल वेन हो गई तो ये देखिए स्टूडेंट्स ये डिटेल डायग्राम है किडनी का यहाँ पर आपको मैंने बताया कि ये जो सब यहाँ पर आप जितने भी ये लेबलिंग हैं आप देख सकते हैं इसका एक सेक्शन यहाँ पर ये दिखाया गया है इतने पोर्शन को मैग्नीफाई करके यहाँ पर दिखाया गया है ये तो आप देखिए इस तरह से नेफ्रॉन जो हैं बहुत सारे नेफ्रॉन ये पड़े हुए हैं इस तरह से ये ट्यूब लाइक नेफ्रॉन बहुत सारे पड़े हुए हैं तो ये नेफ्रॉन ही मेनली क्या करते हैं फिल्ट्रेशन का काम करते हैं तो ये फिल्ट्रेशन यूनिट यानी कि फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द बॉडी इज़ किडनी बहुत ध्यान से सुनिए किडनी इज़ द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ बॉडी तो ये क्या है बॉडी की यूनिट है और इस किडनी की यूनिट क्या है फिल्ट्रेशन यूनिट ये क्या है नेफ्रॉन क्या है नेफ्रॉन तो द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ बॉडी इज किडनी चलिए आगे बढ़ते हैं और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर डिटेल से पढ़ते हैं देखिए अब डिटेल से आप लोग समझ सकते हैं द फंक्शन ऑफ यूनिट फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन विच इज़ ऑलसो कॉल्ड द यूरिनीफेरस ट्रिब्यूल बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों ये देखिए यूरिनीफेरस ट्रिब्यूल ये दूसरा नाम है किसका नेफ्रॉन का अगर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आता है आप बना देते हैं यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल के नाम से अगर पूछ लिया जाता है तो फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाता है तो आपको लगता है कुछ नई चीज़ पूछ ली गई लेकिन नहीं आप बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिए यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल इज द अनदर नेम ऑफ द नेफ्रॉन सो so, स्ट्रक्चर अब यूरिनीफेस टिब्यूल का देखते हैं कैसा होता है तो आप देखिए यहाँ पर ये तो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है थोड़ा सा अगर आप नहीं बना पाएंगे तो ये सिंपल स्ट्रक्चर है इसलिए मैंने दोनों स्ट्रक्चर को दिखाया है इसमें कितने पार्ट होते हैं उसको ध्यान से समझ लीजिए आप देखिए ये अफ्रेंट आर्टिल है देखिए ये अफ्रेंट आर्टीओल है मैंने आपको बताया कि आर्टीओल की एक ब्रांच जो है वो यहाँ पर आएगी ये अफ्रेंट आर्टीओल अफरेंट का मतलब अराइवल ब्लड यहाँ से आएगा और ये इफ्रेंट आर्टीओल है तो ई फॉर एग्जिट और ई फॉर इफ्रेंट तो इफ्रेंट और एग्जिट ई से शुरू होता है तो इसीलिए एग्जिट ब्लड का कहाँ होगा एफरेट आर्टिवल में और अराइवल कहाँ होगा ए फॉर अराइवल ए फॉर अफ्रेंट आर्टिल तो यहाँ पर यानी कि ब्लड आएगा अफ्रेंट आर्टियोल से और जाएगा एफरेन्ट आर्टिल से अब आने पे और जाने पे ब्लड यहाँ पर बहुत सारी ब्रांचेज बन जाती हैं इसकी तो ये ब्रांचेज जो हैं वो ब्रांचेज क्या बनाती हैं स्ट्रक्चर पूरा इसको हम लोग कहते हैं ग्लो मेरुलस ग्लो मेरुलस तो ग्रो मेरू इज़ द बंच ऑफ फाइन कैपिलरीज तो यहाँ पर फाइन कैपिलरीज का बंच है ये जो अफ्रेंट आर्टियोल और इफरेंट आर्टियोल से मिलकर के बना है अब ये फाइन कैपिलरी का बंच क्यों बना ये इसलिए बना क्योंकि यहाँ से जो ब्लड आ रहा है वो इन फाइन कैपिलरीज में पहुंचेगा फिल्टर होगा और फिल्टर होकर के कहाँ पहुंचेगा ये नेफ्रॉन के अंदर अब नेफ्रॉन के हम लोग बात कर लेते हैं इसके कितनी पॉडी मतलब कितने पार्ट होते हैं तो नेफ्रॉन के हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं मेनली इसके तीन पार्ट डिवाइड कर लेते हैं तीन पार्ट कौन कौन से हैं एक तो हम लोग डिवाइड करते हैं मेलपीघियन बॉडी मेलपीघियन अब मेलपीघियन बॉडी इसको क्यों कहा मेलपीघियन बॉडी इसलिए कहा क्योंकि मेलपीघियन एक साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्कवर किया तो इसीलिए मेलपीघियन बॉडी दूसरा आपका क्या होगा ट्यूब्यूल्स ट्यूब्यूल्स और तीसरा क्या होगा कलेक्टिंग डक्ट कलेक्टिंग डक्ट ठीक है तो ये तीन पार्ट हो गए मेल्पिकन ट्यूब्यूल मेल्पिकन बॉडी ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट तो कलेक्टिंग डक्ट कलेक्शन का काम करेगी ट्यूब्यूल्स जो है जितना भी ट्यूबुलर पोर्सन है इसका नेफ्रॉन का उसको हम ट्यूब्यूल्स कहेंगे मेल्फिकन बॉडी क्या होती है उसको समझ लीजिए देखिए इतना पोर्सन ये मेल्पीगियन बॉडी होगा इतना पोर्सन जो है जिसमें हम लोग क्या क्या शामिल करेंगे तो आप लोग देख रहे हैं यहां पर ये देखिए ग्लोमेरुलस और बॉमेन कैप्सूल बॉमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस ये जो स्ट्रक्चर इस है इसको ग्लोमेरुलर कैप्सूल कह रहे हैं इसको बॉमेन कैप्सूल कहते हैं कैप्सूल कैप्सूल्स क्या है बॉमेन कैप्सूल क्या है एक साइंटिस्ट है बॉमेन उन्होंने इसको डिस्कवर किया तो इसीलिए इनके नाम पर बॉमेन कैप्सूल कह दिया गया बॉमेन कैप्सूल इस तरह से कप लाइक स्ट्रक्चर होता है तो ये कप लाइक स्ट्रक्चर है और कप लाइक स्ट्रक्चर में क्या पड़ा रहता है ये बंच पड़ा रहता है किसका ये फाइन कैपलरीज का तो यहाँ से फिल्टर होता है बॉमन कैप्सूल उसमें इकट्ठा हो जाता है फिल्टर होने के बाद में अब ये बॉमन कैप्सूल क्या करेगा इतना तो मल्पीकिन बॉडी हो गई अब ट्यूबवेल्स के बारे में बात करते हैं ट्यूबेल कौन कौन सी होंगी तो देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए बॉमेन कैप्सूल ये हो गया इतना फिर उसके बाद ये ट्यूबेल यहाँ से यहाँ तक ये ट्यूबेल हो गई तो ट्यूबेल में तीन पोर्शन होते हैं इसको हम पी कहते हैं प्रोगजिमल कन्वोलेटेड ट्यूबुलल पी तो पी सी टी प्रोक्मल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आप यहाँ पर देख देख सकते हैं स्क्रीन शॉट लेकर के लिख भी सकते हैं प्रोक्जिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल थोड़ा कॉइल्ड होती है इसीलिए इसको हम लोग प्रोक्िमल कहते हैं प्रोक्जिमेटेड होती है कॉइल्ड मतलब प्रोक्जिमेटेड तो इसीलिए प्रोक्जिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल प्रोक्जिमल का मतलब थोड़ा सा पहला मतलब शुरुआती हिस्सा ट्यूब्यूल का और कन्वोल्यूटेड मतलब कॉइल्ड तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं प्रोक्जिमल कन्वोलियुटेड ट्यूब्यूल फिर यह आगे जा कर के पतली हो जाती है और यू शेप इस तरह से यू शेप बनाती है ये देखिए यू स्ट्रक्चर ब्लू कलर का बन रहा है ये पाइप का तो इसको हम लोग क्या कहते हैं लूप हेनले। लूप हेनले। तो लूप ऑफ 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 हेनले 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 तो एक साइंटिस्ट है उन्होंने इसको डिस्कवर किया इसीलिए इसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले लूप ऑफ हेनले फिर इसके बाद आपका यही लूप ऑफ हेनले आगे जाकर के फिर एक कन्वेड ट्यूबवेल में जुड़ा होता है जुड़ा होता है इसको डिस्टल कन्विलेटेड डिस्टल का मतलब बाद वाली तो डिस्टल कन्व्यूटेड ट्यूबुल से जुड़ा होता है और डिस्टल कन्व्यूलेटेड ट्यूबुल फाइनली ये ब्लू कलर की मोटी सी कैपिलरी में खुली होती है या बेसल में खुली होती है इसको हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं तो कलेक्टिंग डक्ट तो कहते हैं इसको ये कलेक्टिंग डक्ट हो गई तो आप देख सकते हैं इस तरह से कलेक्टिंग डक्ट ट्यूब्यूल्स ट्यूब्यूल्स में आपका पीसी टी हिलूपॉप हिन्न ले और डी सी टी डिजिटल कन्व्यूटेड ट्यूबल ट्यूबवेल्स में ये आ गया कलेक्टिंग डक्ट ये हो गई आपकी यानी कि यहाँ से आप इसका पूरा समझ लेते हैं फिल्ट्रेशन होगा यहाँ से देखिए ब्लड फिल्टर होगा पीसीटी से होते हुए लूप ऑफ हेनले में जाएगा लूप ऑफ हेनले से डीसीटी और डीसीटी से कलेक्टिंग ट्यूबुल में या कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्टिंग डक्ट जा करके कहाँ खुलती है कैलिक्स में और कैलिक्स से पेल्विस रीनल पेल्विस से यूरेटर और यूरेटर से कहा पहुंच जाती है यूरिन यूरिनरी ब्लेडर में तो आप लोग इसको अच्छे से समझ सकते हैं अब इसके ऊपर रेड कलर की ये आर्टरी क्या है अब आप समझ सकते हैं कि जब फिल्टर होता है तो फिल्ट्रेशन के टाइम पर ब्लड पूरा फिल्टर हो जाता है प्लाज्मा जो है काफ़ी मात्रा में फिल्टर हो जाता है तो जो यूजफुल सबस्टेंस होते हैं वो भी फिल्टर हो जाते हैं इसमें चले जाते हैं बॉमेन कैप्सूल में और जब बॉमेन कैप्सूल में वो भी चले जाते हैं तो आप देख रहे हैं ये देखिए रेड कलर की जो इफरेंट आर्ट्रियल है वो इस तरह से लिप्टी हुई है आप यहाँ पर देख सकते हैं ये देखिए रेड कलर की इफरेंट आर्टियोल ये लिप्टी हुई है किसके ऊपर पूरे नेफ्रॉन के ऊपर तो यहां पर जो यहां से यूजफुल सबस्टेंस चले गए यहां से तो उन यूजफुल सबस्टेंस को वापस एब्जॉर्ब करने का काम कौन करती है ये ब्रांच जो जितनी ब्रांचिंग है इफरेंट आर्टिवल की ये उसको वापस एब्जॉर्ब कर लेती है तो ये ब्रांचिंग ऑफ द इफरेंट आर्टिल इसको हम लोग क्या कहते हैं बासा रेक्टा क्या कहते हैं बासा रेक्टा तो बासा रेक्टा कहते हैं आप देख रहे होंगे यहां पर ये लिखा है बासा रेक्टा तो रेक्टा कहते हैं समझ गए होंगे आप तो ये पूरा इस तरह से नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए तो आप सिंपल वाला स्ट्रक्चर ये बार बार प्रैक्टिस करके याद कर लीजिए और उसको बनाने की प्रैक्टिस कीजिए सारे पार्ट्स को याद कर लीजिए कैसे काम करता है ये भी समझ लीजिए आगे हम इसका एक फ्लो चार्ट की हेल्प से समझ लेते हैं कि ये कैसे इसमें पूरा फ्लो होता है यूरिन कैसे बनती है तो आप देखिए ब्लड फिल्ड विद वेस्ट मटेरियल जो डोरसलोर्टा में आता है डो आटा से रीनल आर्टरी में आता है रीनल आर्टरी से रीनल आर्ट्रील में आता है फिर ग्लो मैरुलस में आता है ग्लो मैरुलस जो किसका हिस्सा है किसका हिस्सा है नेफ्रॉन का तो नेफ्रॉन से फिर फिल्टर होकर के बोमन कैप्सूल में इकट्ठा होता है बोमन कैप्सूल से इकट्ठा होकर के प्रोजिमल कन्वोलियुटेड ट्यूब्यूल पीसीटी में जाता है पीटी पीसीटी से लूप ऑफ हेनले लूप ऑफ हेनले से फिर उसके बाद डिस्टल कन्वोलियटेड ट्यूब्यल डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल से कलेक्टिंग डक्ट में और कलेक्टिंग डक्ट से पिरामिड में और पेमिट से पेल्विस पेल्विस से यूरेटर यूरेटर से यूरिनरी ब्लेडर में जाता है यूरिनरी ब्लेडर से यूरेथ्रा और फाइनली ये एक्सीडी आउट हो जाता है यहाँ पर क्या होता है ग्लोमेरुलस में जब फिल्ट्रेशन होता है तो बहुत सारे जो पूरा ब्लड जो है वो फिल्ट्रेट हो जाता है तो इफ्रेंट आर्टियोल यानी कि यहाँ से इधर आता है ब्लड नेफ्रॉन में एंटर करता है हैफ्रेंट आर्टियोल में और यहाँ से इफ्रेंट आर्टियोल से बाहर चला जाता है इफ्रेंट आर्टियोल जो है उसकी जो है बहुत सारी क्या है ब्रांचिंग है ठीक है तो ब्रांचिंग यानी कि यहाँ पर पीसीटी से जितने भी यूजफुल सबस्टेंस थे वो सारे यहाँ पर चले गए वापस ब्लड में चले गए जो यहाँ पर चले गए थे यहाँ से देखिए नेफ्रॉन में अफ्रेंट आर्टियोल से ग्लोमेरुलस में आ गए ग्लोमेरुलस से बोमन कैप्सूल बोमन कैप्सूल से पीसीटी में जो यूजफुल सब्सटेंस जो बाहर जा रहे थे वो फिर से ब्लड में आ गए कहाँ पर ब्लड में आ गए फ्रेंट आर्टियोल की ब्लड कैपिलरी जो उसमें ब्रांचिंग बनी थी और ये फाइनली फिर जो अब फिर से मान लीजिए जो यूरिन जा रही है उसमें कमी हो गई किसकी यानी कि और भी जो एक्सीटी सब्सटेंसेज हैं वो भी इसके यूजफुल सबस्टेंस के साथ में कुछ एब्जॉर्ब हो गए तो वो फिर वापस यहाँ से आ जाते हैं और फाइनली ये जो यूजफुल सबस्टेंस है बेनोल से होकर रिनल वेन से होकर के और फिर कहाँ चले जाते हैं ब्लड में चले जाते हैं क्लीन होने के लिए तो आप ये पूरा चार्ट का स्क्रीन शॉट लेकर के बना लीजिए अपने नोट्स पर इसको अच्छे से समझ लीजिए ये रिवाइज करने में बहुत आसान रहेगा चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम लोग देखिए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कि अगर आपकी किडनी काम करना बंद कर दे रीनल फेल्यूर हो जाए तो उस टाइम पर क्या करना चाहिए यानी दोनों किडनी किसी का काम करनी अगर बंद कर दें या मल फंक्शनिंग हो गई डिसफंक्शनिंग हो गई तो फिर उस टाइम पर क्या होगा कि ब्लड कैसे फिल्टर होगा तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं यानी कि जो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इस प्रोसेस को कहते हैं डायलिसिस इट इज़ द ट्रीटमेंट दैट टेक्स ओवर योर किडनी फंक्शन इफ दोज ऑर्गन स्टॉप डूइंग देयर जॉब अगर काम करना बंद कर दे किडनी तो फिर क्या होगा ब्लड को फिल्टर करते हैं हम आर्टिफिशियली उसको हम लोग डायलिसिस कहते हैं देर आर टू टाइप्स ऑफ डायलिसिस कौन कौन सी दो टाइप की होती हैं एक तो पेरिटोनियल डायलिसिस पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होती है उसको समझ लीजिए योर ब्लड इज क्लींड इन साइड योर बॉडी अ स्पेशल फ्लूड इज पुट इन टू योर एबडोम टू एब्जोर बेस्ड फ्रॉम द ब्लड दैट पासिस थ्रू ए स्मॉल वेसल इन योर एबडोमिनल कैबिटी द फ्लूड इज देन ड्रेन अवे दिस टाइप ऑफ डायलिसिस इज टिपिकली डन एट होम तो आप लोग इसको घर पर कर सकते हैं छोटी सी सर्जरी के थ्रू यहाँ पर छोटे हॉस्पिटल्स में भी इसको किया जा सकता है क्या होती है पेरिटोनियल डायलिसिस ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा फिलहाल इसका एक दूसरा टाइप भी हम लोग पढ़ लेते हैं डायलिसिस का हीमोडायलिसिस योर ब्लड इज पुट थ्रो अब फिल्टर आउटसाइड योर बॉडी ये तो बॉडी के अंदर ही हो रहा था पेरिटोनियल और ये बॉडी के बाहर तो इसको हम लोग क्या कहते हैं ये बाहर बॉडी के जब फिल्टर हो रहा है तो इसको हम लोग हीमो डायलिसिस कहते हैं दिस इज डन आइदर एट द डायलिसिस फैसिलिटी और एट होम यानी कि किसी भी डॉक्टर की देख रेख में या फिर इसको हम घर पर या फिर हॉस्पिटल में भी करा सकते हैं तो इस फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही वीडियो बहुत लंबा हो चुका है तो इसीलिए आगे बचा हुआ पोर्सन ये डायलिसिस फिर से मैं दोबारा थोड़ा सा और हीमोडायलिसिस को बहुत डिटेल से प्लांट में एक्सक्रीशन को डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ये वीडियो लंबी होने की वजह से दूसरी वीडियो बनानी